पीएम मोदी ने काराराम मंदिर में प्रभु श्री राम के लिए अपने 11 दिनों के महाअनुष्ठान की शुरुआत की। अनुष्ठान के 10वें दिन पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर के भीतर 22 तीर्थों में पीएम ने डुबकी लगाई। अब 11वें दिन अयोध्या में भव्य दिव्य और नव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पीएम मोदी के इस अनुष्ठान का समापन होगा। अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद कालाराम मंदिर को अनुष्ठान की शुरुआत के लिए चुनने के पीछे भी एक अहम वजह है। दरअसल कालाराम मंदिर का प्रभु श्रीराम से गहरा नाता है। पंचवटी की धरती पर मौजूद इस मंदिर को प्रभु श्री राम के सबसे पूज्य धामों में से एक माना जाता है। भगवान श्री राम जब वनवास के लिए अयोध्या से निकले थे तो नासिक की धरती पर ही उन्होंने अपने वनवास का एक लंबा वक्त बिताया था। कहा जाता है कि कालाराम मंदिर किसी वक्त महज लकड़ियों से बना था, लेकिन बाद में इसे पत्थर से पूरी तरह से तैयार किया गया था। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं काले रंग की हैं। पूरे देश में प्रभु श्री राम की एकलौती मूर्ति है, जिसमें प्रभु का दाहिना हाथ उनकी छाती पर है। प्रभु श्री राम का यह विग्रह करीब 2500 वर्ष पुराना बताया जाता है। मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में बड़ी संतुलन रखना होता है, संयम रखना होता है, और इस संतुलन और संयम के कारण ही वो शरीर इस योग्य होता है, मन इस योग्य होता है और भाव इस योग्य होता है कि हम भगवान के मंदिर में जाएं, गर्भगृह में जाएं और प्राण प्रतिष्ठित कर सकें। नासिक के कालाराम मंदिर से ही पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले अपने 11 दिनों के कठिन व्रत की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कालाराम मंदिर में अपने महाअनुष्ठान की शुरुआत जल अनुष्ठान के साथ की और प्रभु तप का संकल्प धारण किया। अनुष्ठान के पहले दिन पीएम मोदी ने नासिक के रामकुंड में हाथों में जल लेकर संकल्प लिया। तीन प्रकार की शुद्धि कही गई है शास्त्रों में, कायिक शुद्धि, वाचिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि। इन तीनों शुद्धियों से परिपूर्ण होकर के जो यजमान इस तरह के महाअनुष्ठानों में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, वो संपूर्ण फलभाग भविष्यति, वो संपूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। नासिक में विशेष पूजा अर्चना की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से कालाराम मंदिर में साफ सफाई की। पीएम मोदी ने मंदिर प्रांगण में सफाई के बाद ही अनुष्ठान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रभु का संकल्प धारण किया। पीएम मोदी ने न सिर्फ खुद देश के लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया, बल्कि देशवासियों से आग्रह किया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के हर मंदिर, हर मठ और हर देवधाम को स्वच्छ और निर्मल बनाए, सफाई अभियान चलाए। इसका असर भी हर ओर दिखा और देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान की ये लहर देखने को मिली। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब
तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर से जिन संकल्प की शुरुआत की वो देश के कई तीर्थों से होकर गुजरा। सबसे सुंदर सपने राम। पीएम मोदी ने हर उस धाम में जाकर नमन किया, पूजन किया, जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का वक्त बिताया या फिर जिस धाम का प्रभु श्री राम से नाता जुड़ा है। पंचवटी की धरती पर वनवास में रहे श्री राम, पीएम मोदी ने कठिन अनुष्ठान का संकल्प लिया। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश वीरभद्र मंदिर में पीएम मोदी 16 जनवरी को गए। यही हुआ था राम जटायु संवाद, पूजन कर रंगनाथ रामायण सुनी। केरल गुरुवायूर मंदिर 17 जनवरी त्रिप्रयार श्री राम मंदिर, भूलोक वैकुंठ कहा जाता है, पीएम मोदी ने पूजन और स्नान ध्यान किया। श्रीरंगम त्रिची तमिलनाडु रामानाथ स्वामी मंदिर 20 जनवरी, सेतु निर्माण से पहले श्रीराम ने पूजा की थी, पीएम मोदी ने सागर पूजन किया। धनुषकोड़ी तमिलनाडु कोदंडाराम स्वामी मंदिर 21 जनवरी, कोदंडारामा नाम का अर्थ धनुषधारी राम, मोदी ने विधि विधान से किया पूजन। 11 दिन के बाद जो 22 जनवरी आएगी, 22 जनवरी की वो आकर के वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे और अंतिम दिन का जो यजमान के काम होगा वो सब उन्हीं के द्वारा उन्हीं के हाथों से कराया जाएगा। इस प्रकार के उनके अनुष्ठान होना बहुत जरूरी है। पंचवटी की उस धरती पर पीएम मोदी ने अनुष्ठान का संकल्प लिया जहाँ प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का लंबा हिस्सा बिताया था। इसके बाद देश भर के हर उस धाम पर पीएम मोदी ने नमन किया जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। ये न सिर्फ पीएम मोदी के अनुष्ठान का हिस्सा है बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के तौर पर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का प्रण भी है। पीएम मोदी ने उत्तर से पश्चिम और दक्षिण तक हर किसी को राम नाम के सूत्र में पिरोने के इस संकल्प को साधा है और अब इस संकल्प की सिद्धि में महज कुछ घंटे ही बाकी हैं, जब पीएम मोदी अपने हाथों से प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प पूरा करेंगे।